हेलो नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। राजस्थान स्टेट के आयुष कोर्सेज के सेकंड राउंड का शेड्यूल रिलीज़ हो चुका है। तो इसमें जो राजस्थान स्टेट के जो आयुष कोर्सेज का जो सेकंड राउंड का शेड्यूल है उसका देख लेते हैं डिटेल। इसमें जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन यानी कि करना चाहते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, तो वो कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है ये 3 अक्टूबर है, ये 28 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। और पेमेंट करने का जो टाइम पीरियड है वो 3 अक्टूबर 7 PM तक है। साथ ही इस राउंड में चॉइस फिलिंग भी करेंगे कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था और अगर वो सेकंड राउंड में अपग्रेड करना चाहते हैं तो उनको फ्रेश चॉइसेस फिल करनी होंगी। इसमें एक काउंसलिंग फ़ी भी कैंडिडेट्स को पे करनी होगी 25,000 की चॉइस फिलिंग से पहले। BMS, BHMS, BUMS और BNYS सीट्स के लिए, और कैंडिडेट इसमें NRI सीट्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए डेट सेम है जो कि मैंने बताया कि 3 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का भी, और 3 अक्टूबर 11:59 PM तक आप इसमें कर सकते हैं। और 11:59 PM पर अपने आप ही चॉइसेस का ऑटो लॉकिंग हो जाएगी अगर कैंडिडेट उसको लॉक नहीं करते हैं। इसका सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है। फिर इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 5 अक्टूबर को आ जाएगा आफ्टर 5 PM, और जो इसका प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो 7 अक्टूबर को आएगा आफ्टर 5 PM। उसके बाद कैंडिडेट्स अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं 7 अक्टूबर को आफ्टर 4 PM से आप डाउनलोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी वो लोग रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। इसके लिए जैसे मैंने बताया आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा और अपने अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर आपको अपने ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। जो भी कॉलेज की ट्यूशन फ़ी है वो आपको पे करनी होगी, जो कि आप या तो DD बनाकर कर सकते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो जो DD है वो बनेगा चेयरमैन आयुष UG एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जयपुर के नाम पर। और साथ में आपको 2 प्रिंटआउट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लेके जाने होंगे और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, और एक सेट आपको लेके जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज़ का जो काउंसलिंग बोर्ड का ऑफिस है वहाँ पर, और इसको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। तो इस ज्वाइनिंग के प्रोसेस के लिए आपको पूरी डेट दी गई है 9 अक्टूबर 10 AM टू 4 PM से स्टार्ट हो जाएगा फॉर मेरिट नंबर 1 to 1000 से लेकर 10 अक्टूबर 10 AM टू 4 PM। इसमें मेरिट नंबर 1001 से लेके ऑनवर्ड्स मेरिट के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस डेट पर जाएंगे। तो यहाँ मेरिट वाइज शेड्यूल दिया गया है। तो इसके लिए आपको जाना होगा आयुष भवन रूम नंबर 214 सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर। और ऐसे कैंडिडेट जो सेकंड राउंड में अपग्रेड होंगे और अगर उन्हें कोई न्यू कॉलेज अलॉट होता है तो भी उनको काउंसलिंग बोर्ड के ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा जयपुर में। तो जो यहाँ पर डेट्स दी गई हैं उन्हीं डेट्स में, यानी कि 9 and 10 अक्टूबर मेरिट वाइज है ये, तो आपको जाना होगा। तो ये पूरा मैंने आपको सेकेंड राउंड का शेड्यूल बताया है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।